जय श्री राधे जय श्री कृष्ण श्री सद्गुरे नम श्री राधा कृष्णाभ्याम नम राधा सर्वेश्वर विजते भव श्री नारदाय नम निवाराचार्य नम श्री गणेशाय नम समस्त संत समाज के चरणों में हमारा नमन वंदन जय श्री राधे द्वितीय दिवस कथा में प्रवेश करते हुए श्री राधा रानी, श्री राधा कृष्ण श्री भागवत श्रीमद्भागवतमहापुराण प्रथम स्कंद मंगलाचरण जन्म अन्न वयाद तरचार्थस्विगह स्वराठ तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुहयन्ति स्यत्सूरः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन् सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अर्थेशु कार्यों में अन्वयाद अनुगत होने से च और अकार्यभ्य असत आकाश कुसुम आदि पदार्थों से इतरता पृथक होने के हेतु कारण अश इस विश्व प्रपंच का जन्मादि स्थिति और संहार आदि भवती होता है च और यह जो अभिज्ञ चैतन्य स्वरूप स्वराट स्वप्रकाश है यह जिस जिसने हृदय मन से अथवा संकल्प से आदि आदिकवय ब्रह्म को ब्रह्म वेद को तेने प्रकाशित किया है यत्र जिनके संदर्भ में सरुव बड़े बड़े विद्वान अपि भी मुह्यंती मोहित हो जाते हैं यथा जैसे तेजोवारी मृदाम तेज जल और मिट्टी का विनिमया एक दूसरे में दूसरे के प्रतीति य जिसमें त्रिसर्ग त्रिगुणात्मक प्रकृति अमृषा सत्य इव स भासते प्रतीत होती है स्वयं अपने धामना तेज से सदा सर्वदा निरस्त कुहकम माया तथा माया के कार्य को निरस्त कर देने वाले सत्यम श्री कृष्ण धीम ही हम ध्यान करते हैं कार्यों में परमेश्वर के सत्य रूप से अनुगत होने और असत्य रूप से पृथक होने के कारण ही इस विश्व प्रपंच का उत्पत्ति पालन और संहार आदि होता है तथा जो चैतन्य स्वरूप और स्वयं प्रकाश है जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेद ज्ञान प्रदान कर दिया जिसके समय बड़े बड़े विद्वान में मोहित हो जाते हैं जैसे तेज जल और मिट्टी की एक दूसरे में प्रतीत होती है अर्थात जैसे सूर्य की किरणों में जल का जल में स्थल का स्थल में जल का भ्रम होता है वैसे ही यह त्रिगुणात्मक प्रकृति असत होने पर भी जिसकी सत्ता से सत्य प्रतीत होती है ऐसे अपने तेज से सर्वदा और सर्वदा माया और माया के कार्य को काट देने वाले उस परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं धर्म प्रोजिझत अत्र परमो निर्मत शराणम सतम वेदयम वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापात्रयोन मूल नम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किमवा परे ऋश्वरः सदयो हृदये वरूध्यते अत्र कृतीभिः क्षणात महामुनि कृते महामुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित अत्र इस श्रीमदभागवती श्रीमद्भागवत में निर्मित शराम सत्ताम ईर्ष्या से रहित शुद्ध अंतकरण वाले भगवत भक्तों का फल की आकांक्षा से रहित परमाह सर्वोत्कृष्ट धर्म भक्ति रूप धर्म निरूपते प्रतिपादित किया गया है अत्र इस श्रीमद्भागवत में तापत्र योन्मूलनम तीनों तापों को जड़ से नष्ट करने वाला शिवदम परम कल्याणकारी वेदयम सरलता जानने योग वस्तु ब्रह्म परे दूसरे परे दूसरे सदया शीघ्र अवरुद्धते अवरुद्ध हो जाता है अत्र इस पुराण के शुश्रुविवाह श्रवण की इच्छा वाले कृतिविह पुण्यशाली जनों के द्वारा उसी समय महामुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित इस सुंदर भागवत में ईर्ष्या से रहित सुंदर शुद्ध अंताकरण वाले भागवत भक्तों का फल की कामना से रहित सर्वोत्कृष्ट भक्ति रूपी धर्म का निरूपण किया गया है इस श्रीमद भागवत में तीनों तापों को जड़ से नष्ट करने वाला परम कल्याणकारी परम आनंददायक वास्तविक सरलता से जानने योग परमात्मा को निरूपित किया गया है दूसरे शास्त्रों में परमात्मा शीघ्र हृदय में क्या आकर अवरुद्ध हो जाता है अर्थार्थ नहीं लेकिन इस पुराण के श्रवण की इच्छा वाले पुण्यशाली जन्मों के द्वारा जनों के द्वारा श्रवण काल में उसी समय अभिलम्ब ईश्वर हृदय में आकर बंदी बना लिया जाता है निगम कल्प तरो गर्लितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयोक्त रसिका भुवि भावुक रस के मर्मज भक्तजन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंदमय सुधा से परिपूर्ण हो गया है इस फल में छिलका गुठली आदि त्याज तनिक भी नहीं है यह मूर्तिमान रस है जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो ये पृथ्वी पर ही सुलभ है प्रथम स्कंद में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए निष्कपट धर्म धागवत, भागवत धर्म विष्णु धर्म है इसका वर्णन करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया पहले तो सूरत जी का और आदि का संवाद है सोनका आदि मुनियों ने सूत जी से छह प्रश्न किए हैं किन श्रेया शास्त्र सारा कयोजन किम कर्म केवतार धर्म कम गता ध्यान दे पहला प्रश्न क्या है पहला है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा प्राणी का परम धर्म क्या है जिससे उन उसका कल्याण हो दूसरा हमारे शास्त्र अनेक हैं और देवता भी तो इन शास्त्रों का निचोड़ क्या है परमात्मा तीसरा परमात्मा कुतर्म अकुतर्म अनेक आत्मा ईश्वर है तो वह जन्म क्यों लेता है उन्हें जन्म लेने की क्या आवश्यकता होती है चौथा यदि परमात्मा जन्म लेते हैं तो अब तक कितने अवतार हुए हैं कोई दई कोई दस कहता है तो कोई चौबीस कहता है पांचवा प्राणी का कर्तव्य क्या है छठवा भगवान जब लीला संपन्न करके स्वधाम जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में चला जाता है सोनका दी सौनका जी के ये छह प्रश्न सुनकर गदगद हो गए बोले ऋषियों आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं पर आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूँ वैसे तो मेरे गुरु व्यास जी हैं और यह और दिव्य कथा मैंने शुक्राचार्य जी से सुना इसीलिए पहले उनको प्रणाम करते हैं यम प्र वच यम प्रज्रंत मनु पेत कृत्यम दवे पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु दुस्थूत हृद अस्मि तो अस्मि तो अनुपेतम यगोपवीत संस्कार से रही कृत्यम तदुचित कांड से रहित प्रवज्रत विरक्त होकर जाते हुए यम जिसको विरह कातरा पुत्र वियोग से दुखी है आजुहाव पुकारने लगे तर वहाु उत्तर दिया अनता अस्मि प्रणाम करता हूँ जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन को प्रस्थान कर गए उन सुखदेव जी को नमस्कार है यहाँ पर सुखदेव जी का ध्यान सांकेतिक सुखदेव जी के जन्म की कथा बड़े विस्तार से कही गई है श्रीमद् भागवत जी के सुखदेव जी कोई साधारण प्राणी नहीं है बल्कि श्री राधा जी के द्वारा लालित पालित और सुख है वो यह कथा गर्व संगीता में आती है कि एक बार रास रसेश्वरी श्री राधा रानी जब श्री हरि के साथ ब्रजमंडल में अवतरित होने लगी तब तो वह सुख भी साथ चलने के लिए ललायित हुआ तब तो सुखदेव जी से राधा जी बोले बोली सुखदेव हम अभी ब्रज भूमि में लीला करने जा रहे हैं तुम वहाँ क्या करोगे ये के सुखदेव जी घबराए और बोले माँ मैं आपसे दूर नहीं मैं आपके साथ चलूंगा माँ आप वहाँ लीलाएं करना मैं आपकी लीलाओं का गाया करूंगा पर आपके बिना मैं नहीं रह सकता माँ तब माँ राधा जी झट से सुख जी को हृदय से लगाकर बोली ठीक है चलो इस तरह से वहीं सुख व्यास जी के पुत्र रूप जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की कथा का गान करने लगे कुछ कथावाचक यहाँ पर सुखदेव जी के जन्म की कथा के लिए अमर कथा का वर्णन करते हैं सुखदेव जी का जन्म व्यास जी की पत्नी आरुणी से हुआ सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में बारह वर्ष तक रहे जब पिता व्यास जी ने उन्हें बाहर आने को बोले तब सुखदेव जी बोले पृथ्वी में भगवान हरि की माया विराजती है वह जीव के विवेक को हर लेती है जब तक स्वयं श्री आकर मुझसे आश्वस्त न कर दें तब तक मैं पृथ्वी में नहीं जाऊँ आऊँगा नहीं आऊँगा इस प्रकार वेद व्यास जी ने भगवान श्री हरि का आवाहन किया और भगवान श्री हरि प्रकट हो शुक जी से बोले पुत्र तुम बाहर आओ तुम्हें मेरी माया स्पर्श भी नहीं करेगी इस प्रकार जब सुखदेव जी को माधव की वाणी प्राप्त हुई तो सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही माया से अनशक्त हो वन की ओर चल पड़े व्यास जी सुखदेव जी का उप, उपनयन संस्कार तक नहीं कर पाए इस चिंता में व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े अरे बेटा तनिक मेरी बात तो सुनो पर पुत्र तो निकल गया यहाँ पे सुख जी की ओर से वृक्षों ने उतर दिया पिताजी इस मरणशील संसार में कौन किसका पुत्र होता है और कौन किसका पिता है ये जगत चक्र है चलता रहता है इसीलिए हम सत्य की शोध में जाते हैं या स्वामु भाव वो खिल श्रुति साध्यात्मी दीपमती शीर्षता तमो नमो नंदम संसारिण करुण पुराण गुहम तम व्यासूनुपूपया गुरु मुनी जिन्होंने भगवान के स्वरूप का अनुभव कराने वाले संपूर्ण वेदों के सार स्वरूप अंक अज्ञान अंधकार को पार करने की इच्छा करने वाले संसारी जनों के लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला अत्यंत गोपनीय पुराण संसारियों पर करुणा करके कहा है ऐसे मुनियों के आचार पुत्र की मैं शरण ग्रहण करता हूँ इस प्रकार मंगलाचरण करके आदि ऋषियों के द्वारा पूछे गए छह प्रश्नों का उत्तर देते हुए जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियो आप लोगों का प्रश्न बहुत बढ़िया है इससे जगत का कल्याण होगा जी मात का परम धर्म है कि भगवान की भक्ति करें सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रच भक्तिर धो क्षजे अहितुक प्रतिहता तया आत्मा समप्रसदिति पुंसाम मनुष्यों का यता जिससे अधो छजे भगवान श्री कृष्ण में यया जिससे आत्मा अंतकरण सम प्रसिद्धति सुप्रसन्न हो जाता है और भक्ति कैसी हो बोले अहेतुकी स्वार्थ रहित हो अप्रतिहता निरंतर बढ़ने वाली हो जब हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ऐसी भक्ति होती है तो ज्ञान और वैराग अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं यसु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम भली भांति किए गए धर्म के आचरण के पश्चात थी यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता है तो वस्त्र मात्र ही है होता है धन से धर्म को प्राप्त करना चाहिए सुख भोगना धन का प्रयोजन नहीं है जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है परम तत्व की जिज्ञासा करना जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चे कर्म भी है प्रश्न उठा कि वो परम तत्व क्या है वदंती बतलाते हैं तत्विदा तत्वज्ञानी तत् उसको वदंती बोतलाते हैं शब्द कहा जाता है